बाजी को ये कहा था कि बेटा तुम किसी शस्त्र से नहीं लड़ोगे, तुम अपने आप को एक शस्त्र बनाओगे। जिस दिन नहीं पाएगा कुशल बेजोड़ सफल जावा, कुशल बेजोड़ सफल जावा, कुशल बेजोड़ सफल जावा, झुकने लगे पैरों पर फिर पास, झुकने लगे पैरों पर फिर पास, झुकने लगे पैरों पर फिर पास, आने लगा मराठियों का सिखाया जाता है चलाना लाठी हाले तलवार। और इसी जो बना पेशवा बाजीराव की पहचान, ये लचीली तलवार को कहते हैं तान पट्टा, दोनों तरफ है इसकी धार। पहली बार इसे सीख के एक योद्धा कई शत्रुओं पर भारी पड़ सकता है, पर किसी भी शस्त्र का इस्तेमाल रक्षा के लिए होना चाहिए, हानि पहुंचाने के लिए नहीं। देवियों सज्जनों, स्वागत कीजिएगा आशीष गोलवलकर साहब का ऑन द स्टेज जोरदार तालियों में। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। कैसे कैसे रहा है आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करने में, कैसा लगा? थैंक यू।
मिनट एक मिनट बहुत ही अच्छी बात होती है जब आप कोई बहुत बड़े शो के साथ, जितना हैवी हमारे शो का नाम है पेशवा बाजीराव और इतने बड़े चैनल में साथ काम करते हैं आप, और फर्स्ट टाइम नहीं, आई थिंक फिफ्थ टाइम मैं इस चैनल के साथ जुड़ रहा हूँ एपिसोडिक अलग, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कोई एक पावरफुल कैरेक्टर करते हैं। तो किस तरह का किरदार है आपका इस शो में? ये किरदार है कुमरुद्दीन के सन बना हूँ, कुमरुद्दीन का बेटा बना हूँ मैं, और औरंगज़ेब के मंत्री होते हैं कुमरुद्दीन जी और उनका बेटा मैं हूँ। इससे पहले आपने मुझे जिस किरदार में देखा शहनशाह हिंद अकबर के रोल में, उसमें और इस कैरेक्टर में वैसे तो काफ़ी फ़र्क है, तो बस नासिर खान का कैरेक्टर है मेरा मुगल। कितना डिफ़िकल्ट था ये कैरेक्टर को प्ले करना? देखिए डिफ़िकल्ट था भी और नहीं भी, क्योंकि मैं इस टाइप का कैरेक्टर पहले कर चुका हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर मैं पहले कर चुका हूँ और मुगल बन चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है दोनों ही कैरेक्टर में, और लोग जल्दी से ये कैच करते हैं कि यार ये विशाल सेम चीज़ें कर रहा है। बट यहाँ पे मुझे ये बहुत ध्यान रखना था कि मैं वही चीज़ प्रेजेंट ना करूँ जो लोग मुझे पहले देखते आए। मैं चाहता था कि आई मीन फॉर एन एक्टर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू शो हिज और हर वर्सेटाइलिटी ऑन स्क्रीन, तो होता है ना कि एक मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करूं कि लोग मुझे पसंद करें, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ही, और मैं चाहता हूं कि अपने पहले जो किरदार निभाया उससे कुछ अलग प्रेजेंट करने की प्रेजेंट कर सकूं। को-स्टार्स की बात करें तो किस तरह का बॉन्ड रहा है आपका? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत सेट पे बहुत धमाल मस्ती होती है, बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना, और मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स भी है, बाजी जैसे, बाजी को मैं पहले भी मिला हूँ, रुद्र को, तो उसके साथ भी बड़ा ही मज़ा आता है, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी उनके साथ छोटा बन के रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? हाँ व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि 23rd से हमारा शो ऑन एयर होने वाला है, अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि जैसे पहले हमारे शोज़ को आप लोगों ने प्यार दिया, वैसे ही इस शोज़ को भी, इस शो को भी प्यार दें, और देखना ना भूलें 23rd से पेशवा बाजीराव ऑन सोनी। थैंक यू।